तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर सेकंड जो है। तो पहले वीडियो में आपने देखा कि है ना, उससे पहले वीडियो में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, और फिर सेकंड वीडियो में हमने कुछ न्यूट्रिशंस से रिलेटेड लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया हमने कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, जिसमें आपने जाना बेटा कि लाइफ प्रोसेस होती है कि जो भी बेसिक फंक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए करता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जिसमें हमने सबका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या एक्सक्रीशन या सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन हमने बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। यहीं से शुरू होता है बेटा। जब न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे थे, न्यूट्रिशन मैंने बहुत कुछ बताया, तो वो आप देख लेंगे। फिर मैं शुरू करता हूँ बेटा वहीं से, थोड़ी सी पुरानी बात, न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, है ना। तो न्यूट्रिशन मैंने बताया था आपको कि द प्रोसेस है ना बेटा, द प्रोसेस ऑफ या द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो कह रहा है द प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज, ठीक है बेटा, फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोसेस है ना बेटा, तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है बेटा, ऑब्टेन करता है एंड यूटिलाइज करता है क्या चीज़ बेटा, फूड को। तो फूड को ऑब्टेन एंड यूटिलाइज करने की प्रोसेस को है ना बेटा, फूड को ऑब्टेन एंड यूटिलाइज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, हमने फूड पे बात कर ली है आपसे, हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन के क्या क्या तरीके हैं। तो बेटा न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके से किया जाता है। न्यूट्रिशन के दो तरीके हैं, एक होता है बेटा ऑटोट्रॉफिक, बचपन सुनते आए आप, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है बेटा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा और एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो ऑर्गेनिज्म इसमें क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेता है, खुद प्रिपेयर कर लेता है। वहीं पर दूसरे केस में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है हेटरोट्रॉपिक में, जो भी ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं बेटा, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं। तो बेटा इनको हम लोग, इन तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बेटा बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हेटरोट्रॉफ कहते हैं।
तो ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ क्या होते हैं? तो ऑटोट्रॉफ वो होते हैं बेटा, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर लें, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और न्यूट्रिशन को कहते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म बेटा हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं बेटा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए जरा, तो ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल अगर बात करें बेटा, एग्जांपल की बात करें ऑटोट्रॉफ के एग्जांपल की, तो बेटा ऑटोट्रॉफ हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अपना भोजन जो स्वयं बना ले। आप लोग कहेंगे सर हमारी मम्मी भी बना लेती हैं। आपकी मम्मी बना लेती हैं बेटा, लेकिन आपकी मम्मी खाना बनाती नहीं, खाना पकाती हैं, है ना। सब गेहूँ हो बनाती नहीं है, वो सब कुछ बेटा आटा जो भी चावल है वो सब पेड़ों ने बनाया है, और उसको मम्मी पका लेती हैं और आप खा लेते हो। ठीक है, तो बनाती नहीं है, पकाती हैं। ठीक है बेटा, तो जो भी है एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ के, वो बेटा याद रखेंगे बेटा ग्रीन प्लांट्स। कौन से प्लांट्स बेटा? ग्रीन प्लांट्स मतलब बेटा जो प्लांट ग्रीन नहीं होते वो अपना भोजन नहीं बना पाते। ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, कोई मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर और कोई एग्जाम्पल सर? तो बेटा याद रखेंगे BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी फुल फॉर्म है इसका, या इसी को बेटा साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अगर क्लास 9 में आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा, है ना बेटा, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। तो या अभी नहीं बताया गया तो कोई बात नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी का फॉर्मूला है बेटा, है ना, मतलब फुल फॉर्म है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेटा इसको ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें नॉस्टॉक आता है, है ना बेटा, इनमें कौन लोग आते हैं? तो याद रखना बेटा नॉस्टॉक आता है, है ना बेटा, और एनाबेना आता है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये लोग दोनों क्या है बेटा? एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, दीज आर द साइनोबैक्टीरियाज, या ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। नॉस्टॉक एनाबेना आप दो एग्जांपल याद रखेंगे। ठीक है बेटा, सर और भी कोई है? हाँ बेटा कुछ आते हैं बेटा, पर्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, फिर सर हेटरोट्रॉफिक एग्जांपल बताइए। तो बेटा जो हमारे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें बेटा आते हैं एनिमल्स, है ना। उन एनिमल्स में हम लोग, जैसे हम लोग बात कर लें बेटा, हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है बेटा, एंड अदर, और दूसरे एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, और बेटा एक और है, इसको याद रखेंगे बेटा, जो फंजाई होती है हमारी, है ना, फंजाई या फंगस जिसे कहते हो तुम लोग, तो ये फंजाई भी बेटा क्या करती हैं? और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये खाना नहीं बना सकते। ये भी बेटा अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है बेटा, तो और दूसरे बेटा कुछ अदर एनिमल्स हैं जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, अदर बैक्टीरियाज भी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गई, कुछ प्लांट्स है बेटा, जैसे एक प्लांट है कस्कुटा, ये प्लांट है बेटा कस्कुटा, सब आपने देखा है बेटा, अमर बेल गाँव का नाम सुना होगा, गाँव में अमर बेल कहते हैं इसको। कस्कुटा बेटा एक ऐसा प्लांट है बेटा जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, जो एक पैरासाइट है। क्या है बेटा? इसको हम लोग पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। अभी बात समझ में आएगी पैरासाइट क्या होते हैं। इनको हम लोग बेटा पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास बेटा जो क्लोरोफिल है वो नहीं होता, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इसके पास ना होने की वजह से हम लोग बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा विजिबल नहीं है, तो आप ध्यान रखें बेटा, जो इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, मेरी बात सुनाई दे ही रही होगी। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से लिखूंगा तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है बेटा, कि जो कस्कोटा है उसमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये भी बेटा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब, और ये एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है। याद रखेंगे कस्कोटा एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, सुनिए बच्चों, जो
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटो ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसको फर्दर बेटा दो हिस्सों में बांटा गया। ये दो तरीके हो सकते हैं बेटा, ये हो सकते हैं बेटा, एक बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं बेटा, फोटो सिंथेटिक, फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और बेटा एक वो जिनको हम लोग बेटा बोलते हैं कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बड़ा बच्चों बात समझो, फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट, क्या मतलब होता है इसका, लाइट, और कीमो शब्द का मतलब होता है बेटा केमिकल्स, समझिएगा बात को। और सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा, सिंथेसिस मतलब होता है प्रोडक्शन, है ना, सिंथेसिस मतलब क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन, मेक करना। तो अगर लाइट की मदद से, है ना बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिज्म बेटा, ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी की मदद से जो खाना अपना बना ले बेटा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक है। अब वहीं बेटा जो ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग में जो भी केमिकल्स हैं बेटा, उसकी मदद से अगर वो अपना फूड बना ले, है ना, अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। तो इस तरह से ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी बनाई गई बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ उन्हें कहा गया बेटा जो लाइट की मदद से अपना भोजन बना लें, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ उन्हें कहा गया बेटा जो केमिकल की मदद से अपना फूड बना लें, उनको हम लोग कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आप ये दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है। वैसे बेटा मैं सिखा बताता हूँ आपको, आपको याद आएगा कि आपने पढ़ा है बचपन में बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है बेटा जिसमें ग्रीन प्लांट्स बेटा अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट की मदद से, ये सन है, और सनलाइट की मदद से ये लोग अपना भोजन बना लेते हैं, है ना बेटा। ये मान लीजिए एक लीफ है, ये प्लांट की ग्रीन लीव्स में ही सारी प्रोसेस होती है, तो ये प्लांट की ग्रीन लीफ है बेटा, और ये ग्रीन लीफ जो होता है ये बेटा अपना फूड सनलाइट की मदद से, सनलाइट की को टेक करके बेटा फोटोसिंथेसिस करती है, क्या करती है बेटा, फोटोसिंथेसिस करती है, और फोटोसिंथेसिस करके बेटा फूड बना लेती है, और दैट उस फूड को हम लोग क्या कहते थे बचपन से पढ़ते हैं बेटा, ग्लूकोज कहते हैं, जो एक तरीके का बेटा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो लाइट की मदद से इसने अपना फूड बना लिया, तो हम लोग बोलेंगे जो प्लांट्स होते हैं बेटा वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं। और वहीं पे बेटा जो हमारे केमिकल है ना, उसमें हमने बात रखा है बेटा, तो एग्जांपल याद रखेंगे बेटा, जो हमारे पर्पल सल्फर बैक्टीरियाज होते हैं ये बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये सारे ऑटोट्रॉफ हैं, लेकिन ये दोनों लोग कैसे हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, वहीं पर ये बेटा कैसा है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। और भी एग्जांपल वहाँ हो सकते हैं बेटा, जैसे आप याद रख सकते हैं नाइट्रोसोकोकस, ठीक है बेटा, नाइट्रोसोमोनास, ये सारे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आते हैं। वहीं बेटा हम बात करें अगर, तो कैसे होता है बेटा, ये लोग कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, और इसने बेटा सराउंडिंग में मौजूद मान लो अमोनिया गैस थी,
है ना बेटा, NO2 गैस थी, NO3 गैस थी, है ना बेटा, SO3 गैस थी। इन सब गैसेस का, इन सब केमिकल्स का इस्तेमाल करके इसने अपना क्या बना लिया बेटा, अपनी एनर्जी को ऑप्टेन कर ला, है ना। तो इसने अपनी एनर्जी को ऑप्टेन किया, इसका मतलब इस तरह का बैक्टीरिया बेटा जो केमिकल्स की मदद से अपना फूड, अपनी एनर्जी प्राप्त कर ले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। तो जो मैंने आपको बात बताई कि आप याद रखेंगे बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में याद रखेंगे बेटा एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, कस्कुटा एक प्लांट है, ठीक है बेटा, ये भी कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको भी बेटा अपनी फोटोसिंथेसिस ना कर पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं फूड के लिए बेटा दूसरे पौधों के ऊपर डिपेंड है, दूसरे पौधों पर ये एज अ पैरासाइट पड़ा रहता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बेटा, तो ये रही कुछ बातें जो हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में बताई। अब हम बात करेंगे बेटा हेटरोट्रॉफ के बारे में, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे, अच्छे से बेटा प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छी नोट्स आपके तैयार हो जाएगी अगर आप मेहनत से लेक्चर को पूरा देखेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे। और एक मेरा भी काम है ना, अपने दोस्तों को भी जो है ये सारे वीडियोस शेयर करते जाएं। तो बच्चों अब हम लोग आगे बात करेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर। तो बेटा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म के फूड लेने या न्यूट्रिएंट लेने के तरीके के आधार पर बेटा हेटरोट्रॉप्स को तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है बेटा। तो अगर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड फूड। देखो बेटा ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड फूड, इंजेस्ट करेगा बेटा किसको, सॉलिड फूड को इंजेस्ट करेगा, ठीक है ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के अगर न्यूट्रिशन करता है कोई ऑर्गेनिज्म जो बेटा फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले जाए और फिर उससे न्यूट्रिएंट को बेटा क्या करे, प्राप्त करे, तो बेटा उसके बाद क्या होगा, Which is then digested and absorbed, ठीक है बेटा। तो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा पहले बेटा, होलोजोइक वाले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सबसे पहले वो फूड को, जो भी सॉलिड फूड है बेटा, ध्यान रखना बेटा, सॉलिड फूड को वो इंजेस्ट कर लेंगे, बॉडी के अंदर ले जाएंगे और फिर उसको बेटा क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे और फिर बेटा उसको क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, देन यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले हेटरोट्रॉप्स बेटा क्या करते हैं, ये लोग सॉलिड फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है बेटा, फिर उसको यूटिलाइज कर देते हैं किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, या बोल सकते हैं बेटा मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है बेटा। जिसमें हम लोग एग्जाम्पल बेटा अगर दे दें तो ये नीचे एग्जांपल बेटा आ नहीं रहा होगा वीडियो में, तो मैं साइड में एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो होलोजोइक का एग्जांपल जो है बेटा वो हम लोग हैं, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग बेटा, हम लोग के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं, है ना बेटा, जितने भी एनिमल्स हैं उन सबको आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। दूसरा बेटा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे हैं वो है अमीबा, ठीक है बेटा, पैरामीशियम। तो बेटा कुछ ये ऑर्गेनिज्म है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये एग्जांपल आप जरूर से याद रखें, दीज एनिमल्स आर
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म कैसा न्यूट्रिशन करते हैं बेटा? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। और डेफिनेशन पूछे तो बोलेंगे बेटा वो ऑर्गेनिज्म जो इंजेस्ट करते हैं सॉलिड फूड को और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है बेटा। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन करने का काम करते हैं बेटा कौन? इनसाइड द बॉडी करते हैं, ये बॉडी के अंदर करते हैं कौन? होलोजोइक वाले, ठीक है। आओ जरा ध्यान देना बेटा। दूसरा आता है बेटा सेप्रोफाइट्स, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में शुरू करता हूँ बेटा, इसके बारे में बताता हूँ आपको। सेप्रोफाइट्स, सुनो बेटा सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, लिखो। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है बेटा। जो डेड और डिकेइंग सड़ी गली चीजों से अपना भोजन बेटा प्राप्त करते हैं, फीड करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। एक बात तो यह याद है। सेकेंड पॉइंट बेटा जो याद रखना है कि ये लोग बेटा क्या करते हैं, दे डाइजेस्ट द फूड, डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स फूड into simple form, ठीक है बेटा, outside the body, बॉडी के बाहर उसको क्या कर देते हैं बेटा? डाइजेस्ट कर देते हैं, ये करना याद रखना है बेटा। और देन एब्जॉर्ब, उसके बाद क्या करेंगे बेटा? देन एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उसको क्या कर लेंगे बेटा? एब्जॉर्ब कर लेंगे। ध्यान रखना बेटा ये लोग डाइजेशन कहाँ करते हैं? आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ही चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और उसके बाद एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद आप समझ रहे हैं बेटा उसके बाद यूटिलाइज करेंगे, है ना, अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए उसका क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। अब सवाल उठता है बच्चों के दिमाग में, सर कैसे ये कैसे होता है? सर बेटा देखो समझो इस बात को, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ अभी, इसको समझो कैसे करते हैं बेटा। देखो बेटा दे डाइजेस्ट the food by releasing enzymes on the complex food, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं बेटा, ये उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सॉल्युबलाइज करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के क्या करते हैं बेटा? एंजाइम को रिलीज कर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है बेटा, ऑन द कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर उसको क्या कर देते हैं बेटा? कन्वर्ट इनटू सिंपल फूड, ठीक है बेटा, सिंपल फूड सरल रूप में ला देते हैं जो बेटा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये लोग कैसे बेटा एब्जॉर्ब कराते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं बेटा एंजाइम को रिलीज करते हैं फूड के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देते हैं बेटा किसमें? सिंपल फूड में। अब ये क्या कर लेंगे बेटा? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो याद कर रखना बेटा, अगर एमसीक्यू कभी आया तो एमसीक्यू कैसे करेंगे बेटा? सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं, एक बात। ये अपने फूड को बेटा शरीर से बाहर डाइजेस्ट करते हैं और कैसे, किसकी मदद से बेटा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की मदद से वो क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको क्या कर लेते हैं बेटा? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसका एग्जांपल जरूर लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल ज़्यादा पूछता है बेटा, ठीक है। तो बेटा याद रख लो, फंजाई होती है हमारी, सर तीन फिर बेटा तीन फंजाई का नाम आपको याद रखना है। एक याद रखो बेटा एगेरिकस, जिसको बेटा मशरूम कहते हैं, ठीक है बेटा। और याद रखना है बेटा आपको राइजोपस, जिसको बेटा ब्रेड मोड कहते हैं, अगर नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने तो ब्रेड मोड कहते हैं। तीसरा बेटा आपको याद रखना है ईस्ट, ठीक है बेटा, ईस्ट को याद रखना है। ईस्ट भी एक फंजाई है बेटा, जो यूनिसेलुलर फंजाई है। कैसी फंजाई है बेटा? यूनिसेलुलर फंजाई है, ठीक है ना। तो एग्जांपल याद रखना बेटा, कभी कभी ईस्ट ऑप्शन में आपको ना मिले शायद, तो बेटा इसको ईस्ट को याद रखना बेटा। ईस्ट, एक ईस्ट होती है जिसका नाम है बेटा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी,
ठीक है बेटा, साइक्रोमाइसी सेरेबेसिस एक ईस्ट है बेटा, तो याद रखना कभी कभी ये नाम आएगा एग्जाम में, ठीक है बेटा, कि वो कौन सी, पूछ ले चार ऑप्शन देके बताओ बच्चों इसमें से कौन सा क्या है बेटा, सेप्रोफाइट है, तो याद रखना बेटा साइक्रोमाइसी सेरेबेसी एक ईस्ट है जो एक कैसा है बेटा, एक सेप्रोफाइट है, याद रखना है, ठीक है बेटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है बड़े एग्जाम के लिए, हालांकि बोर्ड में ऐसा पूछना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए, लेकिन बेटा कोई भरोसा नहीं है, एग्जाम का लेवल दिन पर दिन बढ़ रहा है तो ये सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। और ये आपके सिलेबस में है ये वाला, आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। बात करेंगे बेटा किस पर, पैरासाइट पर, इसको मिटाना, ठीक है बेटा। अगर आप चाहो तो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं इसको, अब हम बात करेंगे बेटा किस पर, पैरासाइट पर। देखो बेटा द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन या बेटा इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा, जिसको हम लोग होस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, होस्ट कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म बेटा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन को क्या करे बेटा, प्राप्त कर ले, ठीक है बेटा, या ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बेटा। तो इन और ऑन का मतलब समझा रहा आपको मैं, तो बेटा ये पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहकर उसके उससे अपना नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो फीड करेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, होस्ट बोलेंगे, ठीक है। सुनो बेटा, फिर पैरासाइट्स को बेटा इन और ऑन के हिसाब से दो कैटेगरी में बांटा गया, बोला गया बेटा इंडो पैरासाइट, क्या बेटा, इंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाकर, देखा बेटा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं बचपन में उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, है ना, और फिर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इनको कीड़ा पड़ गया है, जाते हैं दिखाते हैं, है ना, कि लैट्रिन में इसके कीड़ा पड़ आता है, तो बेटा ये कैसे पैरासाइट्स हैं, जो कीड़ा है ना बेटा वो पैरासाइट है, मतलब वो बॉडी के अंदर जाकर नरिशमेंट प्राप्त कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो पैरासाइट। और कुछ बेटा जो होते हैं बेटा जिनको हम लोग एक्सो या एक्टो पैरासाइट के नाम से आएगा बेटा, क्या, एक्टो पैरासाइट के नाम से आएगा, सुनिए बेटा, तो इंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट दो याद रखना बेटा, तो एक्टो पैरासाइट, ठीक है बेटा, बीच में डबल हो गया था, एक्टो पैरासाइट, ठीक है बेटा। तो जो इंडो पैरासाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर जाके नरिशमेंट लेते हैं, और जो एक्टो पैरासाइट होते हैं बेटा वो ऑन द सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर रहकर नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है बेटा। तो जो इंडो पैरासाइट है उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो बेटा, एक है एस्केरिस जिसको हम लोग कहते हैं बेटा राउंड वॉर्म कहते हैं, दूसरा बेटा आपको याद रखना है टेप वॉर्म, फिर बेटा याद रखना है लीवर फ्लूक, एक एग्जांपल ये याद रखना है, दीज आर द इंडो पैरासाइट्स, जो बेटा पेट कीड़ा पड़ता है बच्चों के ना वो यही होता है एस्केरिस, यही है जो बच्चों के पेट में कीड़ा पड़ जाता है छोटे छोटे बच्चों के, है ना, दैट इज एस्केरिस बेटा, है ना। इंडो पैरासाइट बेटा जैसे तुम्हारे सर पर जूं लाइस, गाय भैंस पर बेटा लीच लग जाती है, जोंक चिपक जाती है, टिक्स कुत्तों के शरीर में बेटा किलनी लग जाती है, देखा होगा छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, दैट आर टिक्स, तो बेटा ये सब क्या है, उनके शरीर पर रहकर आउटर सरफेस पर रहकर नरिशमेंट लेते हैं, तो उनको बोला जाता है एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर जाकर नरिशमेंट ले उनको बोलते हैं बेटा इंडो पैरासाइट, ठीक है बेटा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बेटा, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। फिर एक सवाल उठता है बेटा एग्जाम में कि विच वन इज नॉट पैरासाइट, कौन सा पैरासाइट नहीं है, ठीक है बेटा। ऑप्शन में आया क्या बेटा, टेप वॉर्म, फिर आया बेटा राउंड वॉर्म, फिर बेटा आया अर्थ वॉर्म, और डी आया बेटा नन, ठीक है।
पूछ रहा है इसमें से कौन सा पैरासाइट नहीं है, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना बेटा, इस सवाल में बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं बेटा। टेप वॉर्म पढ़ा है आपने, राउंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म, सब में वॉर्म लगा है ना बेटा। लेकिन अर्थवर्म बेटा जो केचुआ होता है ये पैरासाइट नहीं होता है। और पूछ भी रहा है कि कौन सा, विच इज नॉट पैरासाइट, है ना बेटा, कौन सा पैरासाइट नहीं है बेटा। अर्थवर्म इज नॉट अ पैरासाइट, अर्थवर्म कोई पैरासाइट नहीं है। बट ये बेटा ये कैसा न्यूट्रिशन करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। आपने देखा होगा गाँव घर में अपने कि ये केचुआ क्या करता है बेटा, जो सॉफ्ट सॉइल होती है उसको खाता है। बरसात के दिनों में आपको आसानी से दिख जाएगा। और उसके बाद बेटा अपने शरीर के पीछे से निकालता भी जाएगा, आपने देखा होगा, है ना, जलेबी जैसे छान देता है। तो दैट इज ह्यूमस, उसको ह्यूमस बोलते हैं बेटा। तो ये बेटा जो इंपॉर्टेंट है, अर्थवर्म इज नॉट अ पैरासाइट, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो गलती आप कर सकते हैं, टेप वर्म, राउंड वर्म, अर्थवर्म सवाल में देगा और आप नन ऑप्शन मारेंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा इस विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। पढ़ते चलिए, आपको सारा ज्ञान जो है मिलता जाएगा धीरे धीरे, और अच्छा ज्ञान मिलेगा बेटा। आपकी बायोलॉजी दिन पर दिन जो है इम्प्रूव होती जाएगी, ये गारंटी है, ठीक। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बेटा तो हम लोग सब फिर से बात करेंगे बेटा। हमने बात की थी बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हम लोग बेटा सीधे सीधे आ जाते हैं कहाँ बेटा, फोटोसिंथेटिक, है ना बेटा। उसमें मैंने बता दिया था आपको, तो याद रखेंगे बेटा क्या, फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना बेटा। ऑटोट्रॉफिक में बताया था बेटा फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा जो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो कैसे करते हैं बेटा, बाई फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं वो अपना नरिशमेंट। तो वो क्या होता है, आइए उसी को हम लोग बेटा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखो, द प्रोसेस बाय विच, ठीक है बेटा, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, ठीक है बेटा, मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है बेटा, सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट, ठीक है बेटा। अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन आपको मिल सकती है, बट आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। तो ये एक प्रोसेस है, सबसे पहली बात फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी मदद से बेटा बाय विच ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मेक देयर फूड, क्या क्या इस्तेमाल करके बेटा, बाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको बेटा क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं इसको दूसरे रूप में कहूँ तो कह दूंगा बेटा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी की मदद से बेटा को कन्वर्ट कर देता है प्लांट, उसको कन्वर्ट कर देता है बेटा किसमें, ग्लूकोज में, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। आगे सुनो बेटा, दूसरी बात बेटा, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, एनाबॉलिक प्रोसेस है ये। एग्जाम का सवाल है कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है बेटा, तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा सर ये क्या है, है ना बेटा, सुनो मेरी बात। एक वर्ड है बेटा जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी इससे। मेटाबॉलिज्म, सुनो बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर, अब
तो बेटा सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल या बेटा बॉडी। ठीक है बेटा, हमारे शरीर या हमारे सेल के अंदर होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को बेटा, सभी केमिकल रिएक्शन को मिलाकर जोड़कर हम एक शब्द में उसको अगर कहें तो क्या बोलते हैं बेटा, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म शब्द का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का समूह, है ना बेटा, ग्रुप, सम कर दें तो उसको बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। अब बात आती है बेटा केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन बेटा दो तरीके की होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरी बनाई गई बेटा, एक को बोला गया बेटा एनाबॉलिक रिएक्शन और एक बोलते हैं बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब वर्ड सुना होगा आपने, है ना बेटा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, एनाबॉलिक रिएक्शन और बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें बेटा क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कंबाइन होकर और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लें तो उसको हम बोलते हैं बेटा एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है एक बड़े, कोई बड़ा मॉलिक्यूल बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना याद रखो, अभी आपको समझ आ जाएगा, इसको मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा, ये जो रिएक्शन लिखूंगा उसमें बताऊंगा आपको, समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो अभी इतना याद रखो कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस, अगर आपको याद है बचपन का, तो कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और बेटा बनता क्या है बेटा, ग्लूकोज C6H12O6, है ना बेटा, ग्लूकोज बनता है। सोचो बेटा इस कार्बन में कितने, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन, एक, जो मॉलिक्यूल बना है उसमें कितने कार्बन, छः। इसका मतलब छः कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन हुई होगी, क्योंकि कार्बन कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। इसका मतलब छः कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन हुई होंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के छः कार्बन आपस में कंबाइन हुए होंगे। तो कह सकते हैं ना बेटा कि कई कार्बन डाइऑक्साइड, छः मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते, जिसको बोलते हैं बेटा क्या, ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि एक छोटा मॉलिक्यूल ये, एक छोटा मॉलिक्यूल ये, दोनों लोग कंबाइन हुए एक बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसलिए हम बोलते हैं बेटा क्या, इट इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जहां पर बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे बेटा उसको, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट है बेटा ये एग्जाम, ये याद रखना बेटा एग्जाम में आएगा कि फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस है, तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, याद रखेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, आगे हम बात करेंगे इसी पर बेटा, समझते जाइए, है ना, आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, और भी चीज़ें आ गई, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा स्पेस हो जाए मुझे। तो ये डिफिनेशन आप लिख लीजिए फोटोसिंथेसिस की, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा। और क्या पूछेगा सर फोटोसिंथेसिस के बारे में, सुनो बेटा सवाल आए बहुत बार आया एग्जाम में, सबसे पहला बात डिफिनेशन के बाद पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा बेटा आपसे कि रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या है बेटा। ठीक है, तो कौन कौन से बेटा जो मटेरियल इस्तेमाल हुए बेटा, तो लिखेंगे बेटा एग्जाम भी ऐसे लिखेंगे बेटा कार्बन डाई ऑक्साइड, फॉर्मूला होता है बेटा CO2, कहाँ से मिल देगा बेटा प्लांट को, एयर से, है ना बेटा, एयर से मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा बेटा, एयर से। दूसरा बेटा क्या मिलेगा, वाटर, कहाँ से आएगा बेटा, याद रखना बेटा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कहाँ से आएगा सर आएगा बेटा सॉइल से, कहाँ से आएगा बेटा, ये सॉइल से आएगा। ठीक है, प्लांट के पास ये सॉइल से आएगा। तीसरा बेटा जो यूज़ होगा वो आएगा बेटा क्या, क्लोरोफिल, अगर बात कर लें क्लोरोफिल पिगमेंट, ये कहाँ मौजूद है बेटा, ये मौजूद है क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ बेटा, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। ठीक, फिर तीसरा बात बेटा और क्या इस्तेमाल होगा सर एनर्जी लगेगी, वो कहाँ से आएगी बेटा, सनलाइट से, कहाँ से बेटा, सनलाइट से आएगी। तो दीज आर द रॉ मटेरियल, की कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे बेटा कि रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप लिखेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और एनर्जी।
ठीक है बेटा, आप एक साथ लिख सकते हैं एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, तो दीज आर द रॉ मटेरियल्स जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया बेटा, ऑलरेडी एग्जाम में कई बार आस्क्ड है ये। तो बेटा ये चारों को जरूर से जरूर आप याद क्या रखेंगे बेटा, याद रखेंगे। सर और क्या पूछेगा, सुनिए बेटा ये दूसरा सवाल होगा एग्जामिनर का, ये पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे आप। ठीक, पहले डेफिनेशन लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। ठीक, दूसरी चीज जो पूछेगा बेटा कि लोकेशन, लोकेशन बोलेगा बेटा या बोलेगा साइट, स्थान है ना बेटा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, उसकी जगह क्या है बेटा, तो याद रखेंगे बेटा सबसे पहले क्या याद रखेंगे बेटा, इन लीफ। कहाँ होता है बेटा, ये पत्तियों में होता है। अगर बेटा पत्ती ऑप्शन में ना हो तो बेटा तब क्या बोलेगा बेटा, तो बोलेगा मीजोफिल सेल में। क्या बोलेगा बेटा, मीजोफिल सेल बोलेगा, कि मीजोफिल सेल में। अगर मीजोफिल सेल ना दिया बेटा ऑप्शन में तो क्या देगा, क्लोरोप्लास्ट में बोलेगा बेटा। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन कहाँ होगी, या तो ऑप्शन में बेटा ये होगा, कहेगा पत्ती में होती है साइट ऑफ। आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हैं कि अगर पूछे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो बोलना लीफ। अगर आपको और लिखना है तो बोलेंगे मेजोफिल सेल। और लिखना है बेटा ऑप्शनल में तो आपको हो सकता है बेटा क्या दिया हो, क्लोरोप्लास्ट। सर ये अब सवाल उठता है सर मेजोफिल सेल क्या है, तो लिख लो बेटा, डालो हेडिंग मेजोफिल सेल। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि सर ये क्या होता है ना बेटा, लिखो बेटा द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल ऑफ लीफ। लीफ में बेटा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल होते हैं उनको हम लोग मीजोफिल सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, जो कहाँ होते हैं, बिलो बिलो इपी डर्मिस, जो हमारी लीफ की बेटा सबसे ऊपरी परत होती है। जैसे मान लो बेटा ये लीफ है ना, ये लीफ है, तो लीफ की बेटा एक ऊपरी परत होगी और एक निचली परत होगी। तो जो निचली परत ऊपरी परत आप दोनों देख सकते हैं, तो बेटा जो पहली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। दोनों वो नीचे वाली ऊपर वाली लेयर के बीच में पत्ती कुछ थिक होती है ना बेटा, कुछ मोटी होती है, तो उसमें कई सेल की लेयर होती है। वो सेल की लेयर जो बीच में है बेटा एपिडर्मिस के, उन सेलों को कहा जाता है मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजो वर्ड का मतलब बेटा होता है बीच में, मीजो वर्ड का मतलब बीच में, और फिल का मतलब होता है लीफ। तो बेटा लीफ में जो बीच में सेल होते हैं, एपिडर्मिस के बीच में जो सेल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मीजोफिल सेल कहा जाता है, जिनके पास बेटा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल ऑफ लीफ बिलो एपिडर्मिस उसको हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे। ठीक, तीसरी बात बेटा जो पूछी जाएगी आपसे, चलिए बात करते हैं बेटा तीसरी बात जो पूछता है एग्जामिनर आपसे। वो पूछेगा बेटा कि सर रिएक्शन बताइए आप, क्या पूछेगा बेटा, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे याद रखोगे, बोलेंगे CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा क्या, सनलाइट और बेटा क्या, क्लोरोफिल। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में है ना बेटा, CO2 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। सुनो बेटा, इस रिएक्शन को एग्जाम में आपसे बैलेंस करने को पूछा जाएगा केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, बैलेंस करने का मतलब होता है बेटा जितने एटम किसी एलिमेंट के इधर हैं उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड जैसे मान लो कार्बन यहाँ जितना होना चाहिए उतना कार्बन उधर भी होना चाहिए। इधर लगे बेटा कितने हैं, 6, इधर कितने हैं, 1, बैलेंस करना पड़ेगा। आगे हमने क्या लगा दिया, 6। इधर देखो बेटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12, इधर कितना है बेटा, इधर और 12 और 2 14, इधर कम है ना बेटा। तो हम देखो कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ लगा दो 12, ठीक है, यहाँ लगा दो बेटा 6 और यहाँ लगा दो बेटा 6, ठीक है, देखो बैलेंस हो गया। कार्बन की संख्या 6, इधर भी 6 उधर भी 6, ऑक्सीजन 6 टू जै 12, 12 और 12 कितने हो गए बेटा, 24, 12 दूनी 24, ठीक है बेटा। इधर देखो 6
और 6 दुनी 12, 12 6 18, 18 और 6 24, ऑक्सीजन की संख्या कितनी बेटा 24, इधर देखो 12 दुनी 24, 24 हाइड्रोजन इधर है, इधर देखो बेटा 12 हाइड्रोजन इधर और 6 दुनी 12 हाइड्रोजन इधर, 12 दुनी 24, तो देखो बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन सभी क्या हो गया बेटा कंप्लीट होगा, जितना इधर है उतने उधर है, इसको बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन। तो ये कभी कभी बेटा ये डिजिट आपसे पूछ ली जाती है कि बताओ डिजिट, सुनो मेरी बात बेटा, मे बी कभी कभी एग्जामिनर ऐसा करते हैं बेटा ये वाटर को नहीं देते, वाटर को रिएक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, तो उस केस में क्या लिखेंगे, वो कहेंगे CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, कहेगा अब बैलेंस करो बेटा, कुछ मत करना, देखो सिंपल है, यहाँ लगा देना बेटा, यहाँ लगा देना 6 और यहाँ लगा देना 6, देखो बैलेंस हो गया, देखो कार्बन इधर 6, इधर भी 6 दुनी 12, ऑक्सीजन इधर 12 और यहाँ पर 6, तो 12 और 6 18, मतलब इधर 18 है, इधर देखो बेटा 6 दुनी 12 और 6 18, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन की संख्या देखो हाइड्रोजन 6 दुनी 12 इधर और 12 इधर, तो इस केस में बेटा ऐसे बैलेंस करेंगे और उस केस में ऐसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, एग्जाम में दोनों रिएक्शन पूछी जा सकती है आपसे, कोई भी एक रिएक्शन पूछ ले सकता है, ठीक है बेटा। जो वाटर ये निकलता है बेटा ये वेपर के फॉर्म में होता है, वेपर का मतलब गैस के फॉर्म में होता है, तो वो वाटर कैसे होगा बेटा गैस के फॉर्म में, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन हो गई, ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन हो गई, जो आपको याद होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज देते हैं, साथ में बेटा ऑक्सीजन निकलती है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है और यही ऑक्सीजन है बेटा जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है और इसको हम लोग क्या करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाटर वेपर है बेटा गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और यही रेन के फॉर्म में बादलों के रूप में हमको रेन से फिर होगी और फिर हमको वापस पानी मिल जाएगा जो जमीन में आ जाएगा, ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, कोई भी एक रिएक्शन आप याद कर लीजिए ऊपर नीचे वाली, अगर एग्जाम में आएगा तो आप जब लिखेंगे तो ये ऊपर वाली लिख देंगे, ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए कोई भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। आगे देखो बच्चों, फिर क्या पूछेगा बेटा तुमसे, फिर पूछेगा बेटा आइए थोड़ा मैं आपको बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आपको एक चीज और पूछेगा बता देता हूं, जो अभी मैंने बताया बेटा उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं सुनो जरा। देखो बेटा हुआ क्या, सनलाइट रही होगी और ये बेटा लीफ है, ध्यान दो, ये लीफ है, इस लीफ पर बेटा क्या पड़ रही है सनलाइट, ये लीफ बेटा स्टेम से अटैच्ड होगी, पक्की बात है बेटा स्टेम से अटैच्ड है और ये बेटा स्टेम फिर कैसा है बेटा रूट के रूप में होगा, समझिए बात को, ये रूट के फॉर्म में होगा बेटा, आपने नाइन्थ में पढ़ा था कि रूट, अगर ये हम बात करें कि ये रूट है तो रूट बेटा एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं जाइलम टिश्यू, वो जाइलम टिश्यू बेटा मिट्टी से है ना एब्जॉर्व करेगा बेटा वाटर को, वाटर को एब्जॉर्व करके बेटा कहाँ लेके आएगा ऊपर, और इस तरीके से बेटा पानी कहाँ आ गया पत्तियों में, यहाँ पानी पहुँच गया, यहाँ पानी आया बेटा एटमॉस्फेयर में मौजूद है बेटा CO2, वो CO2 बेटा यहाँ आ गई, इस सनलाइट को इसी लीफ में मौजूद है बेटा क्या क्लोरोफिल, इसी लीफ में मौजूद है बेटा क्या क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, इस ग्रीन पिगमेंट ने बेटा सनलाइट को क्या कर लिया एब्जॉर्ब कर लिया, तो बेटा ये अगर क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, इस पर बेटा सनलाइट लीफ पर पड़ रही थी तो ये क्लोरोफिल बेटा उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये क्या करेगा क्लोरोफिल बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको बेटा सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट की जो एनर्जी है उसको क्या कर लेगा बेटा एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो एनर्जी बेटा इकट्ठे होते होते एक ऐसी हीट, इतनी एनर्जी उत्पन्न होगी, इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी बेटा, ये सारी प्रोसेस लीफ में हो रही है ध्यान दो बेटा, ये क्या होगा इतनी एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी कि जो ऑक्सीजन जो वाटर नीचे से आया बेटा उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है बेटा ये बॉन्ड क्या कर जाएगा बेटा ब्रेक कर जाएगा, यस किसकी वजह से हुआ बेटा इस एनर्जी की वजह से ये ब्रेक हो गया, अब जैसे ही ब्रेक हुआ बेटा हमको क्या मिला हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिल गए, अब देखो यहाँ CO2 भी थी जो आ चुकी है ना बेटा,
ये CO2 ने इस टूटे हुए वाटर से जो हाइड्रोजन निकला वो CO2 इसके साथ कर गई रिएक्ट, और जब CO2 इसके साथ रिएक्ट की तो भी क्या बना बेटा, मान लो बहुत सारी CO2 आ रही होगी एटमॉस्फेयर से, है ना बेटा, सारी CO2, तो मान लो 6 आई, 6 CO2 ने हाइड्रोजन, कई हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल सारे वाटर टूट रहे हैं और निकल रहा है बेटा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ जोड़ ले रहा है, बोला कि कोई बात नहीं तुम वहां से अलग हुए तो क्या हुआ, मैं तुमको अपने साथ जोड़ लेती हूं। और इस तरह से बेटा एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है बेटा, या हम कह सकते हैं बेटा हमको क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट, क्या मिल गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट, जो एक प्लांट के फूड के रूप में मिला। फिर बेटा सुनो, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर बेटा वाटर वेपर बना लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, ऐसा हो सकता है। और कुछ बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 मिलके क्या बना लेंगे बेटा, O मिलके बना लेंगे O2। और यही ऑक्सीजन बेटा क्या हो जाएगी बेटा, ये ऑक्सीजन, दिस ऑक्सीजन क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी, रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर रिलीज हो जाएगी, और ये बेटा क्या कर लेगा, प्लांट में इसी पत्तियों में ये स्टोर हो जाएगा, फिर फ्लोएम इसको ले जाएगा बेटा और बाकी पार्ट्स में जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है वो वहां पर उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये एक्सप्लेनेशन था बेटा कि कैसे प्रोसेस हो रही है, जड़ों से पानी आया पत्तियों में, पत्तियों में मौजूद था क्लोरोफिल, उसने सनलाइट की एनर्जी को इकट्ठा किया, उससे एक एनर्जी उत्पन्न हुई बेटा, काफ़ी हीट हुई, जिस हीट ने वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम मिले, उन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम का इस्तेमाल बेटा किसके साथ कर लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ने उसको यूज़ किया और बना लिया गया बेटा ग्लूकोज, कुछ ऑक्सीजन के रूप में निकल गया, कुछ वाटर वेपर के रूप में निकल गया। ध्यान क्या रखना है बेटा, अगर आपको ना पता हो, अगर पता हो थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा ऑक्सीडेशन और एक होता है बेटा रिडक्शन, क्या होता है बेटा रिडक्शन, सुनिएगा दोनों बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि एग्जाम में का सवाल है। ऑक्सीडेशन कैसे याद करना है बेटा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग, लेकिन अभी के सुनो ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, एक ये डिफिनेशन हो सकती है। दूसरी डिफिनेशन क्या हो सकती है बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेटा रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा रिडक्शन है। तो रिडक्शन की डेफिनेशन है बेटा ये, जो आपको याद रखनी है। सुनिए बेटा इस यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखो, CO2 के पास क्या नहीं था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उसके पास है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकला भी नहीं है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके में हाइड्रोजन जोड़ा गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, मतलब क्या हुआ है रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं बेटा यहां पर क्या हुआ है बेटा, रिडक्शन हुआ है किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और बेटा यहां देखो वाटर में, तो वाटर का बेटा क्या हुआ है, वाटर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, है ना, वाटर में का हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बेटा कि वाटर का क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है वाटर का, तो वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना है, एग्जाम का सवाल है बेटा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, तो याद रखना बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है कि ऑक्सीडाइज होकर ग्लूकोज बनाती है, याद रखें बेटा रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है लीफ, ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने एक्सप्लेन करी, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगला सवाल, अगर तुम इसको लिखना चाहो तो लिख लो अच्छे से कॉपी में, फिर देखो आगे। Uh,
आपकी जिम्मेदारी है कि आप हेल्प करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं ना बेटा, कि कोई डाउट वाउट आ रहा हो तो। तीसरी पॉइंट बेटा जो पूछता है एग्ज़ाम में, देखो पहला हमने पढ़ा था रॉ मटेरियल, दूसरा पढ़ा हमने, अच्छा दूसरा पढ़ा लोकेशन, तीसरा पढ़ा हमने बेटा क्या रिएक्शन, चौथा पढ़ रहे हैं बेटा, वो पूछते हैं बेटा स्टेप्स इन फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ध्यान दो बेटा स्टेप कौन कौन। पहला स्टेप में देखो, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले क्या होता है बेटा, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, किसके द्वारा बेटा, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का क्या किया जाता है बेटा, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है सनलाइट का। उसके बाद बेटा सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, वाटर की क्या होती है बेटा, स्प्लिटिंग होती है, ध्यान देना बेटा, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी हो रहा है, दूसरे में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम में। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बस इतना ही लिखना है बेटा एग्जाम में, है ना। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज या बेटा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा क्या हो रहा है तीसरे स्टेप में, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीन स्टेप में याद रखना बेटा, है ना, पहले एब्जॉर्प्शन, फिर ठीक है स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद बेटा क्या रखना है, ठीक है बेटा, रिडक्शन। तो याद रखना बेटा ASR, अगर आप याद करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा कि तीन स्टेप होता है, पहला A होता है, फिर S होता है, फिर क्या होता है बेटा R होता है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप में बेटा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। ठीक, आगे सुनिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तीन पॉइंट बेटा जरूर से याद रखना, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा जाता है एग्जाम में, ये तीन पॉइंट लिख के आना ऐसे ही। सुनिए बेटा, पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा। वो पूछते हैं कि ये बताओ बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस में मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा। मेन प्रोडक्ट है बेटा ग्लूकोज। क्या बेटा, ग्लूकोज, याद रखना बेटा मेन प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज। फिर पूछते हैं बेटा बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई प्रोडक्ट मतलब इसके अलावा जो निकल रहा है, मुख्य प्रोडक्ट तो ये है, बाई प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो याद रखना बाई प्रोडक्ट है बेटा ऑक्सीजन। क्या बेटा, ऑक्सीजन, याद रखेंगे। फिर पूछता है बेटा कि जो ऑक्सीजन निकल के आई है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। पूछता है एग्जाम में बेटा कि जो ऑक्सीजन निकल के आई है ये कहाँ से आई है, इसने दिया है कि इसने दिया है, है ना बेटा, ये एग्जाम का सवाल है। तो बेटा याद रखना, तो पूछता है बेटा सोर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा कहाँ होती है बेटा, कहाँ से आती है, वो वाटर से, याद रखना। सर कैसे पता चला ये, कैसे पता चला, सुने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें बेटा आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया बेटा, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड। सर आइसोटोप क्या होता है बेटा, क्लास 9 में पढ़ा था आपने कि कोई एलिमेंट जिसका बेटा दो रूप हो,
लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, मास डिफरेंट हो, उसको आइसोटोप कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसा ऑक्सीजन के आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन बेटा एक पाया जाता है 16 मास वाला, और ऑक्सीजन 18 मास वाला पाया जाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया बेटा, जो वाटर दिया प्लांट को वो बेटा कौन सा दिया, O18 वाला, मतलब वहाँ उन्होंने O18 वाला इस्तेमाल किया, यहाँ पर O16 वाला इस्तेमाल किया। और उन्होंने देखा बेटा जो वाटर ऑक्सीजन निकल के आई थी वो कौन सी थी बेटा, 18 वाली। तो बेटा इससे पता चल गया कि जो आने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है बेटा, वाटर से आई है। तो एग्ज़ाम का सवाल है, बड़े एग्ज़ाम का हालांकि सवाल है ये कि किस आइसोटोप का इस्तेमाल करके ये प्रूफ किया गया था कि रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में वाटर से आती है। तो बेटा O18 का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, क्योंकि बेटा नेचर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो पाया जाता है बेटा वो ये पाया जाता है, ये इसके ट्रेसेस हैं, ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। इससे ये प्रूफ हुआ था कि जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो कहाँ से आती है, पानी से आती है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चौथा सवाल बेटा एग्जाम पूछेगा आपसे कि बच्चों ये बताओ कि स्टोरेज, देखना बेटा कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर बाय प्लांट इन फॉर्म ऑफ, बेटा याद रखना बेटा स्टार्च, क्या बेटा स्टार्च के रूप में। सुनिए मेरी बात ध्यान से कि जो प्लांट होता है बेटा ये बनाता ग्लूकोज है। ठीक है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ये इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन अगर बेटा कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो होता है अगर उसके प्लांट में बच जाता है कि वो इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, सारे सेल ने खाना खा लिया लेकिन कुछ खाना तब भी बच गया, तो उस ग्लूकोज को जो हमारा प्लांट होता है बेटा स्टार्च के रूप में क्या कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है ना बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखना बेटा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है बेटा, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज का बेटा, किसका बेटा, ग्लूकोज की लंबी चेन। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसके क्या बनता है बेटा, अगर वीडियो में विजिबल ना हो तो मेरी वॉइस सुन के लिखो बेटा, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है बेटा, ये तो ये याद हो जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी एक एग्जाम में पूछा था बेटा, नोट करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, 2000 का नोट करके लिखो बेटा कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में होता है बेटा, ग्लूकोज इन ह्यूमन या एनिमल बेटा, इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या बेटा, ग्लाइकोजन। तो स्टोरेज फॉर्म ग्लूकोज का एनिमल में क्या है बेटा, तो ग्लाइकोजन याद रखना। प्लांट में क्या है बेटा, स्टार्च याद रखना, नॉलेज के लिए ध्यान रखो काम आएगा। ठीक है बेटा, इसी चैप्टर में आगे जब हम लोग एनिमल पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा आपको कि जो हम खाना खाते हैं तो बहुत सारा बेटा ग्लूकोज बेटा बॉडी इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके बाद भी जो बच जाता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में लीवर या मसल्स में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तभी जो आप व्रत रहते हैं या फास्ट रहते हैं या गुस्सा नाराज हैं, आप खाना नहीं खा रहे बहुत दिन से, तो यही ग्लाइकोजन है बेटा, वो टूट टूट कर वापस ग्लूकोज में टूटता है और आपको एनर्जी दिए रहता है, तभी आप जिंदा रह पाते हो। ठीक है, वैसे प्लांट है बेटा, अगर बहुत दिन तक सनलाइट ना बने, खाना ना बना पाए, तो यही स्टार्च है बेटा जो इसमें स्टोर रहता है प्लांट में, और यही बाद में बेटा फिर क्या करता है, प्लांट उसको यूटिलाइज करता है फॉर द एनर्जी पर्पस, फॉर द कैरी आउट द वेरियस लाइफ एक्टिविटी। दीज आर द बेटा इंफॉर्मेशन जो मुझे देनी थी फर्स्ट इस पार्ट में। तो बेटा ये कंप्लीट फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो गया है, और अगले टर्न पर बेटा, अगले क्लास में मतलब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग बेटा ह्यूमन, हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग ह्यूमन के बारे में, और बेटा कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ अ कंप्लीट अबाउट द फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना नॉलेज काफ़ी है बेटा, यही डिटेल में पढ़ना था। आप कहेंगे सर कीमोसिंथेटिक बेटा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है बेटा, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो यार, है ना।